मैडम, मैं आपको कब से वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि वो अभी अभी चली गई। मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, मगर शायद वो जल्दी में थी। मैंने उनका नंबर लिया है। अच्छा किया। मधु, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब किसी का फोन नंबर लिया करो तो उनका नाम भी लिखा करो। सॉरी मैम। चलो कोई बात नहीं, मैं शाम को फोन करके पूछूंगी। माहिर कहाँ है? अपने कमरे में। आज तो कमाल हो गया, दोनों बच्चों ने एक जैसे कपड़े पहने और बदले गए, उनके परिवार वालों को पता भी नहीं चला। लगता है इनकी बहुत गहरी दोस्ती होने वाली है। चलो देखते हैं उनकी माओं की आपस में जमती है या नहीं। तिमिर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। वैसे तो तुम किसी के साथ जल्दी मिक्स नहीं होते हो, पर आज बेहिचक तुम उस आंटी के घर चले गए और इतनी देर तक माहिर की मम्मी के साथ रह भी लिया। हाँ, जब मैं केक बनाती हूँ तो तुम बिल्कुल नहीं खाते, तुम्हें पसंद ही नहीं आता, और उस आंटी के हाथों से बनाया हुआ तुमने इतना सारा केक खा लिया। हाँ, क्या तुम्हें उनके साथ उनके घर में रहना इतना अच्छा लग रहा था? तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? ऐसे ही किसी के साथ कैसे चले गए तुम? माहिर, क्या तुम उस आंटी को इतनी अच्छी तरह से जानते थे, हाँ, कि तुम उनकी उंगली पकड़कर उनके साथ चले गए? बोलो। क्या तुम उस आंटी को इतनी अच्छी तरह से जानते हो कि वहां उनके घर इतनी देर तक चुपचाप बैठे रहे? बोलो, थक गए हो? हाँ, चलो सो जाओ। अच्छा बच्चा। शुक्र है तुम ठीक ठाक कर वापस लौट आए हो। वो पल जब मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि तुम कहाँ चले गए हो, ऐसा लगने लगा था जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। मेरी तो दुनिया ही बिखरती नजर आ रही थी। पर आइंदा मैं कभी ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। आज से इस वक्त मैं तुमसे वादा करती हूं कि तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे, हमेशा। यही है वो घर आचार्य जी। आज दोपहर को मैं उस बच्चे का पीछा करते हुए यहीं आया था। तो फिर आज रात को हम इस घर में प्रवेश करेंगे। आचार्य जी, ये हमारी बहू दुर्गा है। दुर्गा, आचार्य जी, याद है तुम्हें? तुम इनसे मिल चुकी हो पहले। कैसे भूल सकती हो, ओंकारेश्वर में मिले थे। प्रणाम। गुरुजी ने हमें बताया था कि आप मानवता की भलाई के लिए कितना प्रयास करते हैं। बहुत तारीफ करते हूँ आपकी। ये तो गुरुजी का बड़प्पन है। वैसे मेरा सदा यही प्रयास रहा है कि मैं जो भी कार्य करूं वो मानवता की भलाई के लिए ही हो, परंतु अभी तक उसका अंश मात्र भी नहीं कर पाया। सच पूछिए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य में मैं आपकी मदद मांगने के लिए आया हूं। वो महत्वपूर्ण कार्य जिसको पूरा करने का मैंने बीड़ा उठाया है, वो कार्य मात्र आप लोग ही कर सकते हैं। बताइए आचार्य जी, हम जैसे साधारण लोग आपके महान कार्य में क्या योगदान दे सकते हैं? मैं आपके घर में हवन करना चाहता हूं।
अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? ऐसा है, मैं हर साल 4 हवन किया करता हूं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उनके लिए 4 घरों को चुना करता हूं। इस बार मुंबई में हवन करने का इरादा है, और जब उपयुक्त घर की बात चली तो गुरुजी ने आपके घर की ही बात की। आचार्य जी, हमारे लिए इससे अच्छी बात और क्या होगी कि आप हमारे घर में हवन करें। धन्यवाद, पर इस हवन की एक शर्त है। इस हवन में घर के हर सदस्य का उपस्थित होना आवश्यक है। वैसे आपके घर में कौन कौन है? जी, मैं और मेरी पत्नी, मेरा भाई आदित्य और उसकी पत्नी सुमित्रा। आदित्य लंदन गया हुआ है, आदित्य के बच्चे अदिति और आयुष दोनों यहीं पर हैं, दुर्गा और उसके बच्चे श्रद्धा और तिमिर। ठीक है, हम कल से हवन आरंभ करते हैं। आचार्य जी, हवन के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी बता दीजिए, ताकि मैं अभी से उनका इंतजाम कर सकूं। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये सेवक है ना, ये सारा कार्य कर लेगा। और यदि आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ कार्य आज ही आरंभ कर दें, बाकी कल सुबह कर लेंगे। आचार्य जी, आप ही का कर है, आप जो चाहे कीजिए। आधा कार्य तो आसानी से पूरा हो गया, परंतु आधा कार्य जो कठिन है वो अभी बाकी है। तुमने सब कुछ भली भांति जांच लिया है ना सेवक? जी आचार्य जी। इस बार मैं अपना कार्य पूरी तैयारी के साथ शुरू करना चाहता हूं। कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि वो बच्चा हमारे सामने होता है बस 2 कदम की दूरी पर, और हम उसे खो देते हैं, परंतु इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बस जाने से पहले ये आखिरी कार्य, ये अभिमंत्रित धागा किसी भी बुराई और अंधकारमय शक्ति को इसे पार करने से रोक देगा, और वो बच्चा मजबूर हो जाएगा और बाहर नहीं निकल पाएगा। कोई भी आसुरी शक्ति जो इस बच्चे की सहायता करना चाहेगी, इस अभिमंत्रित धागे को पार नहीं कर पाएगी, और बुराई का प्रतीक वो तिमिर अपनी सहायता के लिए किसी भी शैतानी शक्ति को नहीं बुला पाएगा, और तब हम हवन का प्रारंभ करेंगे। मंत्रोच्चारण की गूंज उस शैतानी बच्चे की शक्ति को क्षीण कर दी जाएगी। पिछली बार जिस बच्चे को हमने दूध की समाधि देनी चाहिए थी वो गलत बच्चा था, परंतु इस बार हम जानते हैं कि हम कोई गलती नहीं कर रहे। आचार्य जी, इस बार हमने किसी भी तरह की कोई गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी, और मुझे विश्वास है कि बच्चे को यह नहीं पता कि उसके साथ कल क्या होने वाला है। वो तो आराम से गहरी नींद में सो रहा है। जल्दी? आज मुझे घर जल्दी पहुंचना है, हवन है ना? हवन? कैसा हवन? ये हवन कौन करवा रहा है बेटा? आचार्य जी। ओ, तो आचार्य जी को तिमिर का पता चल ही गया, ढूंढ ही लिया उन्होंने तिमिर को। हम तो हैरान हो गए थे,
जब कल रात अचानक आचार्य जी हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि वो हमारे घर में हवन करना चाहते हैं। मैं आपका रास्ता देख रही थी ताकि मैं आपको भी कह सकूं कि आप भी इस हवन में जरूर आइएगा। आएंगे ना? नहीं बेटा, मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे कुछ कार्यवश कहीं जाना है। मैं उस हवन का भागी कैसे बन सकता हूं जिसका लक्ष्य एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करने का हो? आप क्या सोच रहे हैं गुरुजी? सोच? नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा था कि आचार्य जी को तुम्हारे घर का पता कैसे लगा। मेरा मतलब है कि इस शहर में इतने घर हैं, हवन करने के लिए आचार्य जी को तुम्हारा ही घर क्यों? आप ही की वजह से ये सब कुछ हो रहा है गुरुजी। आपने आचार्य जी को हमारे बारे में बता दिया। मैं इसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपकी ही वजह से हमारे घर में इतना पवित्र हवन हो रहा है। बहुत अजीब बात है सच। कल का दिन एक के बाद एक हैरान कर देने वाली बातों से भरा हुआ था। माहिर हमारे घर आ गया था। माहिर? हाँ, तिमिर के साथ उसके स्कूल में पढ़ता है, एक ही क्लास में है दोनों। वो फैंसी ड्रेस की वजह से बच्चों में फर्क नहीं कर पाई और माहिर को तिमिर समझकर घर लेकर आई। और रात को ही आचार्य जी तुम्हारे घर आए है ना? हाँ। अच्छा, तो ये माहिर था जिसने आचार्य जी को दुर्गा के घर का सुझाव दिया और उन्हें वहां तक पहुंचा भी दिया। प्रणाम गुरु जी, मैं चलती हूँ। खुश है दादाजी? ये सब कैसे हो गया? आप तो कह रहे थे कि तिमिर और माहिर दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते। हाँ बेटा, शारीरिक दृष्टि से वो एक दूसरे को नहीं जानते, पहचान भी नहीं पाएंगे, परंतु मानसिक दृष्टि से वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का आभास है उन्हें। परंतु बेटा, मुझे पीड़ा हो रही है उस औरत को देखकर जो अपने निर्मल हृदय से पूरी लगन से उस हवन की तैयारी कर रही है जो उससे उसके बेटे को जुदा करने के लिए किया जा रहा है। वो बेचारी ये नहीं जानती कि इस दिन के कुछ पल कुछ घड़ियां ऐसी हैं जो वो अपने बेटे के साथ बिताएगी। हमारी हवन की तैयारियां लगभग संपूर्ण हो चुकी हैं, बस आचार्य जी आते ही होंगे। जैसा उन्होंने कहा था, हम घर का शुद्धिकरण कर लेते हैं। किसी भी बुराई और अंधकार में इस शक्ति को पार करने से रोक देगा। ओम अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थागतो विवाह या स्मरेत कुंडली का समसाव में अवंतर सूची। ओम अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थागतो विवाह या स्मरेत कुंडली का समसाव में अवंतर सूची। ओम शांति। चलो बात हो गया, बिहेवियर सर, चलो हम पे बैठो। लगता है आचार्य जी आ गए। आज मैं तुम्हारे एक जिंदगी चले दूंगी, बैठना ही होगा तुम्हें हवन पे। आप कौन है? मुझे तुमसे तुम्हारे बेटे के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें करनी है। क्या कहना आपको? दुर्गा, जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ उसे ध्यान से सुनो और मेरा विश्वास करो। मेरी बात सुनकर तुम्हें इस बात की तसल्ली जरूर होगी कि मैं सही समय पर तुम्हारी मदद करने यहाँ पहुँच गई हूँ।
मुझे तो आपकी कोई बात समझ में ही नहीं आ रही है, और आप मेरा नाम और तिमिर क्या क्या जानती है तिमिर के बारे में? मैं नहीं दुर्गा, लेकिन गुरु माँ तो जानती है ना, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है तिमिर की रक्षा के लिए। जिंदगी और मौत का सवाल है दुर्गा। तिमिर के बारे में आप क्या जानती है जो मैं नहीं जानती? अगर गुरु माँ तिमिर का भला नहीं चाहती तो वो मुझे यहाँ भेजती ही क्यों? अच्छा अंदर आइए। आइए ना, आप रुक क्यों गए? धागा लांग कर आइए। नहीं, लगता है ये कोई पवित्र धागा है, इसे लांगना अच्छा नहीं होगा। तुम इसे भूल क्यों नहीं देते? मैं ऐसा नहीं कर सकती, आचार्य जी ने कहा है कि जब तक ये बंधा रहेगा हवन अपवित्र नहीं होगा। सिर्फ एक पल के लिए मैं खोलने के लिए कह रही हूँ, और वैसे भी हवन शुरू भी तो नहीं हुआ। पता नहीं मुझे इसे खोलना चाहिए या नहीं। ठीक है, मैं फिर कभी बाद में आ जाऊंगी। डर है कि देर नहीं हो जाए। रुकिए, मैं इसे खोल देती हूँ।